है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, उसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। ये वाली साड़ी, तो साड़ी ये वाली पहनी है मैंने, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहाँ जा रहे हैं घूमने देखते हैं और आपको भी दिखाएंगे, चलिए ब्लॉग पर बने रहिए। गाइस देखिए मौसम कितना अच्छा किया हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, देख के ऐसा लग रहा था मैं कहाँ आई हुई हूँ, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। और हम चारों फैमिली जा रहे थे घूमने, देखिए मैं और माँ यहाँ बैठे थे पीछे और हम लोग सोचे थे कहाँ जाएँ घूमने। कभी कभी मन होता है ना घूमने का कि कहीं न्यू जगह पे जाएँ घूमने ऐसा, तो हम लोग अपने ही शहर में जा रहे थे घूमने, बट वहाँ हम लोग कभी गए नहीं, वो भी एक पार्क ही है, वहाँ हम लोग कभी गए नहीं थे, तो सोचे कि जाके देखते हैं कैसा है। और रास्ते में मतलब इतना जंगल टाइप था, इतना ज़्यादा सुनसान ऐसा जगह था वो पार्क में जाने के रास्ता जो था, वैसा कोई कोई ही कभी कभी एक दिखता था, नहीं तो एकदम सुनसान था। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है चारों तरफ। और फिर हम लोग पार्क के लिए निकले, तो देखिए ये वाला पार्क है और शायद ये बहुत पुराना पार्क है क्योंकि हम लोग गए थे तो देखने से भी लग रहा था, और कोविड की वजह से बंद हो गया था बट अब खुला है, तो उतना अभी वैसा साफ़ सफाई भी नहीं हुआ था और वैसा लोग भी अभी नहीं जा रहे थे, क्योंकि होता है ना एक टाइम पे अगर कुछ चीज़ बंद हो जाए और आउट एरिया में पड़ता है तो वहाँ लोग जाना एकदम ही से बंद कर देते हैं। तो देखिए ये वाला पार्क था, थीम पार्क नाम था इसका। तो देखिए ब्लॉग को एंजॉय करिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, फिर बातें करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम थे। और ये वाला जो रास्ता है ना, देखने में लग रहा है कि बस रास्ता है बट ये एक चढ़ाव टाइप था, ऊपर बहुत जाना था, तो हम लोग पूरा ऊपर नहीं गए क्योंकि हम लोग को और भी कहीं जाना था घूमने बुआ के घर, तो इसलिए हम लोग आधा ही चढ़े, पूरा पैर में दर्द हो गया था। देखने से लग रहा है सिंपल रोड है बट वैसा नहीं था, तो फिर हम लोग निकल गए थे बुआ के घर जाने के लिए, और वहाँ भी हम लोग खूब बहुत देर तक थे। अच्छा भी लगता है जाके, बुआ मतलब मेरी सासू माँ की बुआ हैं वो, और आप लोग देखे होंगे मामा मामी को मेरे बर्थडे ब्लॉग में, जिन्होंने फर्स्ट सरप्राइज़ दिया था केक लाके प्री बर्थडे सेलिब्रेशन जो मैं की थी, वहीं मामा मामी के घर हम लोग गए थे। और अच्छा लगता है जाके उनके घर भी, मैं शादी के बाद करीब दो बार जा चुकी हूँ उनके घर। और देखिए ये कितना सुंदर नज़ारा है, ये सब टाटा स्टील का मतलब कुछ कुछ है कंपनी, या टाटा मोटर्स का था ये वाला शायद। तो चलिए देखते रहिए ब्लॉग, और पता है आपको कैसे ब्लॉग्स चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो गाइस। ये देखिए आई लव जमशेदपुर, और मैं ये सब इसलिए कैप्चर कर रही थी ना कि मैं पूरा नज़ारा आप लोग को दिखाती हूँ इस शहर का, जो टाटा शहर है जमशेदपुर, कि कितना साफ सुथरा एक होता है ना, ज़्यादा धूल नहीं उड़ता, कुछ नहीं उड़ता, अच्छा लगता है। तो गाइस मामा मामी के घर मैं उतना कैप्चर नहीं की क्योंकि होता है ना, मैं पता नहीं क्यों कम्फर्टेबल फील नहीं कर रही थी, बट अब मैं जाऊँगी तो ज़रूर करूँगी। तो हम लोग को आने में कभी करीब 11:30 हो गया था, तो मतलब इतना हम लोग मामा मामी के घर करीब 5 बजे चले गए थे और आए थे 11 बजे रात को, हम निकले थे घर आते आते 11:30-12 हो चुका था। और देखिए रात में कितना अच्छा लगता है, सब यहाँ पे सजा हुआ था तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे स्टेशन भी सजा हुआ था, तो उसका तो मैं इतना कैप्चर नहीं कर पाई बट कभी और दिखाऊंगी। तो ये दूसरे दिन का है तस्वीर, वीडियो जो भी कहें, तब का है जब ये बरखा है जिसे आप लोग पहचानते होंगे,
और भारती भी होगी यहाँ, ये दोनों ना यहाँ पे पूरा फूल पौधा लगा रही थी मेरे लिए कि भाभी वीडियो बनाती हैं तो उनका बैकग्राउंड अच्छा आना चाहिए, फूल पौधे के पास बनाएंगी तो बहुत अच्छा आएगा, इसलिए ये दोनों खुद से इतना मेहनत कर रही थी, सब सजा रही थी, फूल पौधा सब इधर उधर रखा हुआ था तो वो लोग एक जगह रखी और फूल में पानी दी, मतलब वो लोग को बहुत अच्छा लगता है शायद फूल लगाना। और जो बरखा है ये देखिए कहाँ चढ़ी हुई थी, डर भी लग रहा था और ये फूल निकाल रही थी, कितना भी मना किया जा रहा था बट ये फूल लेके और लगा रही थी, इसको फूल लगाना बहुत पसंद है। और किसी किसी का हाथ होता है ना कि वो लगा देता है तो वो फूल लग भी जाता है और किसी किसी के हाथ से नहीं लगता तो बरखा के हाथ से लग जाता है, वो जो भी फूल मतलब पौधा लगाती है वो लग जाता है। तो यहाँ पे बहुत मेहनत की थी, बहुत सारा फूल भी लगाई थी उस दिन और मेरे लिए कर रही थी तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो देखिए बेचारी कितना मेहनत कर रही थी और हम लोग सच में बहुत मना कर रहे थे फिर भी, इसीलिए मैं कैप्चर करना स्टार्ट की थी कि ये इतना कर रही है तो मैं तो कैप्चर करूँगी, आप लोग शेयर करूँगी कि मेरे लिए कितना कर रही थी। उधर देखिए भारती भी थोड़ी थोड़ी सी दिख रही थी, वो भी वहाँ पे फूल पौधा ये कर रही थी कि आप वीडियो बनाइए कि अच्छा है सारा हरियाली हरियाली। और देखिए हमारे छत पे मिर्च का भी एक पौधा है, तो एक मिर्च पहला मिर्च यहाँ पे हुआ था, वही हम लोग देख रहे थे। देखिए ये है भारती। तो देखिए ब्लॉग पॉइंट तक बस यही है, इसमें ये लोग कितना सजा रही थी, ये लोगों को कितना अच्छा लगता है ये सब फूल पौधा ये करना, मना करने के बाद भी ये लोग कर रही थी तो खुशी होता है। और ये लोग को मतलब लगाने भी आ जा रहा था एकदम अच्छे से, बोल भी रही थी कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है लगाना ये, मतलब फूल पौधा जो होता है तो वो लगा रही थी।